हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस क्या होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको समझ आएगा कि ये चारों कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होते क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है या सेल्स प्राइस है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सब कैसे पहचाना जाता है। इस वीडियो को देख के आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कोई भी चीज़ परचेज की जाती है, जिस प्राइस पे कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का परचेज प्राइस, खरीदी वाला जो प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं CP। सेल्स प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कोई भी चीज़ सोल्ड आउट होती है, मतलब बिकती है, जिस प्राइस पे कोई चीज़ बिक जाती है वो उसका सेल्स प्राइस होता है, यानी कि सोल्ड आउट हो जाती है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं SP। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस होता क्या है। मान लीजिए ये एक टॉय शॉप है एंड ये आप हैं। आपको एक बॉल परचेज करनी है। आप आए टॉय शॉप पर, आपको एक बॉल पसंद आई, वो बॉल आपने खरीदनी है टॉय शॉप से, तो आपने उसका प्राइस पूछा और वो बॉल परचेज कर ली। तो टॉय शॉप वाले ने आपको वो बॉल बेची 100 रुपीज़ में, यानी कि टॉय शॉप ने वो बॉल आपको 100 रुपीज़ में बेची है। इसका मतलब टॉय शॉप वाले के लिए वो 100 रुपीज़ SP है, क्योंकि टॉय शॉप वाले ने आपको ये बॉल 100 में बेची है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो सोल्ड आउट प्राइस होता है, बिकने वाला प्राइस होता है, वो SP होता है। यानी टॉय शॉप ने 100 रुपीज़ में अगर आपको बॉल बेची है तो टॉय शॉप वाले के लिए ये 100 रुपीज़ SP होगा। वहीं ये बॉल आपने 100 रुपीज़ में खरीदी है, ठीक है, ये बॉल आपने 100 रुपीज़ में खरीदी है, तो आपके लिए ये 100 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि आपके लिए ये खरीदी वाला प्राइस है और शॉपकीपर के लिए ये बेचने वाला प्राइस है। तो शॉपकीपर के लिए ये SP हुआ बट आपके लिए ये CP हुआ। अब इसी के आगे देखते हैं। अब आप जब यहाँ से गए बॉल परचेज करके, आपको मिला आपका एक फ्रेंड, उसने देखी आपके हाथ में ये बॉल और उसे ये बॉल आ गई पसंद। उसने आपसे बोला कि मुझे ये बॉल चाहिए, मैं ये बॉल तुमसे ख़रीद लेता हूँ, तुम मुझे इसके पैसे बता दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। तो आप जब ये बॉल ख़रीद के लाए तो आप ये 100 रुपीज़ में ख़रीद के लाए, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। अब आपने क्या किया, ये बॉल अपने फ्रेंड को बेच दी 120 रुपीज़ में। तो जब आपने ये बॉल बेची है तो आपके लिए 120 रुपीज़ जो है वो सेल्स प्राइस हो गया, ठीक। अब ये 120 आपके लिए सेल्स प्राइस है बट आपके फ्रेंड के लिए ये क्या है, आपके फ्रेंड के लिए ये हुआ कॉस्ट प्राइस। उसने ये बॉल परचेज कर ली और उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस 120 हुआ। तब इससे एक चीज़ और हमें पता चली, आपने खरीदी थी 100 रुपीज़ में, बेची है 120 रुपीज़ में, तो इसका मतलब इसमें आपको हुआ है प्रॉफिट 20 रुपीज़ का, क्योंकि आपने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए वो बॉल बेचने के, तो ये 20 रुपीज़ आपके लिए प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि जब भी सेल्स प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमको प्रॉफिट होता है, ठीक, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेल्स प्राइस से तो हमको लॉस होता है। इसलिए फॉर्मूला होता है, जब भी हमें प्रॉफिट निकालना है हम क्या करते हैं, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं।
और वहीं जब हमें लॉस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस को माइनस कर देते हैं। अब इसमें हमने ये चारों चीज़ें सीखी, सेल्स प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इस एक एग्जांपल से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब लॉस की बात करते हैं, अगर लॉस का हमने एग्जांपल नहीं लिया है तो मैं इसको यहीं पर आपको क्लियर करती हूँ। अभी यहाँ पर हमने ये बॉल आपने परचेज करी थी 100 रुपीज़ में, आपने अगर इसे 120 में बेच दिया तो आपको हुआ प्रॉफिट। वही अगर ये बॉल आप अपने फ्रेंड को 80 रुपीज़ में बेच देते तो आपको होता लॉस, क्योंकि आप खुद 100 में परचेज करके आए हो, पर बेचोगे अगर आप 80 में तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पता चलता है, आपकी परचेज की हुई प्राइस से सेल्स प्राइस जो है वो ज़्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा।